500 वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ चुकी है। प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जौनपुर के एक लाल ने वो कर दिखाया है जिसको देखकर आप भी अचंभों में पड़ जाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे हमारे फ्रेम में, ये प्रभु श्री राम के मंदिर का कहा जाए हूबहू थर्माकोल के माध्यम से एक जौनपुर के गुलशन ने मंदिर बनाया है। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ उसी तरीके से जौनपुर के गुलशन ने भी मंदिर को बनाकर रख दिया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि हाँ, हम प्रभु श्री राम के लिए, हमारे लिए प्रभु श्री राम कितने प्रेरणादायक हैं और हमारे लिए प्रभु श्री राम ने जो मार्गदर्शन दिखाया था वो हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर को, जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी तरीके से गुलशन ने भी मंदिर का निर्माण कर दिया है। और ये मंदिर आपको कैसा लगता है हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखिए चारों तरफ से जिस तरीके से मंदिर के पूरे प्रांगण को एक डिज़ाइन दिया गया था, उस तरीके से पूरे मंदिर को यह बनाया गया है और जो दो द्वार हैं, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, इसको देख सोशल मीडिया पे आपने द्वार देखा होगा, आप मंदिर की पूरी आकृति देखी होगी, आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो प्रारूप है कुछ इसी प्रकार से है, जिसको देखकर गुलशन ने सोशल मीडिया से इस मंदिर को बनाया है। आप देख पा रहे होंगे कि गुंबदों को बनाया गया है और जिस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर की आकृति थी, प्रभु श्री राम के मंदिर जिस तरीके से दिखता है उसी प्रकार से कुछ गुलशन ने बनाने की कोशिश किया है और गुलशन हमारे साथ मौजूद है। गुलशन, कैसे लगा कि नहीं अब मंदिर हमको बनाने की ज़रूरत है? सर, ये भगवान रात को सपने में आए थे तो हमने सोचा क्यों ना उनका भी एक भव्य मंदिर। क्या सपने में आए थे, क्या बोले आपसे? कि सर सपने में आएगी तुम भी कुछ कलाकारी अपने 800-900 करो, तो हम तो कलाकार है तो हमने सोचा क्यों ना उनका भव्य मंदिर अपने गांव में बनाया जाए, ताकि जो गांव वाले वहां जा सकते हैं तो हमारी दुकान पर आकर राम जी के दर्शन कर सकते हैं। क्या कहना। अच्छा, जो भगवान श्री राम के दरबार में नहीं जा सकते हैं अयोध्या, वो हमारे यहां आकर प्रभु श्री राम जी के मंदिर का हूबहू जो है दर्शन कर ले। जी सर। तो कितना दिन लगा इसको बनाने में, कितनी मेहनत थी? सर इसको 2 दिन लगे हैं मुश्किल से, और ज़्यादा दो घंटे मैंने बनाए इसको हमने तो बस। तो सब कैसे देखे थे कि एक बड़ी जो है शिला है बनानी है, गुम्बद वगैरह, कैसे ये कहाँ से देखे थे आप? सर हमने नेट पे इसकी पिक्चर लिखाई थी तो उसमें हमने उसको जूम करके की बारीकी देखी है कि हमने इसमें देखा कितने पिलर में कितने खम्भे हैं, तो हमने अपने आर्ट के अनुसार उसको सेम टू सेम उसी को नक्शा बनाया है। हाँ जी सर। ये कहा जाए एक आर्टिस्ट की खूबी होती है जो देख ले उसे उतार दे। हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ये राम मंदिर है, 22 तारीख को प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो नहीं लगता कि ये वो जिस घड़ी का लोग इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई? सर वो घड़ी आएगी है तो जो हमारा तो ये विचार है कि जो वहाँ जाएंगे, जैसे मोदी जी का आदेश है कि 22 जनवरी को लोग अपने घर में दीपावली मनाएंगे, तो हमारे मन में एक विचार आया कि अगर हम पूरे गांव में इस मंदिर को घुमाएंगे और राम जी के जय जयकार लगाएंगे। क्या कहना, ये मंदिर को पूरे गांव में घुमाएंगे और जय जयकार लगाएंगे। किसकी जय जयकार लगाएंगे? श्री राम जी का लगाएंगे। पर लगा दीजिए फिर। बस यावा राम चंद्र महाराज की, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, रामचंद्र महाराज की। ये बताइए, मंदिर गांव में तो बन गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है। शायद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये ऐसा देखने के लिए कभी भी दिल खुश हो जाएगा। दिल्ली जाएंगे तभी देखेंगे ना, जब दिल्ली नहीं जा पाएंगे तो कहाँ, अयोध्या जाएंगे तभी देखेंगे ना, इसीलिए यहाँ पर देख ले रहे हैं, गांव में देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। गुलशन कुमार निषाद बहुत अच्छा है, गुलशन कुमार निषाद। आज एक वक्त था जब श्री राम की नैया जो है निषादों ने पार की थी, और इस वक्त जो है आप भी एकदम निषाद हैं और गांव के लोगों को दर्शन करा रहे हैं, उनकी नैया को पार कर रहे हैं दर्शन के लिए। जी सर, अब उसमें हम क्या बोले, तो भगवान राम जी कृपा है, बस कोशिश कर रहे हैं कुछ आगे करने के लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को मंदिर को देखकर? सुंदर लग रहा है, हमारे ख्याल से जितना कहा जाए उतना ही इनकी तारीफ कम पड़ जाएगी। काफ़ी सुंदरता में ये मंदिर बनाई गई है और हम तो अयोध्या नहीं पहुंच पाए देखने के लिए, शायद प्रभु श्री राम का दर्शन 22 जनवरी को मिलेगा करने के लिए। देखिए भैया,
कहा जाए कि ये मंदिर की भव्यता देखकर आसपास के गांव वाले जो है वो पहुंच रहे हैं। जैसे कहा जाए कि हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर विराजमान होंगे उस मंदिर में जिसका 500 वर्षों से अधिक सनातन धर्म के लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जिसके लिए लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी मंदिर के निर्माण के लिए और कई सौ वर्षों तक संघर्ष किया था। फलस्वरूप उस मंदिर का निर्माण जो है वह पूरा हो चुका है और 22 तारीख को इसका भव्य उद्घाटन होगा। और इस मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य पड़ाव पर, तब तक के लिए लेते हैं विराम। जय जय श्री राम।